जिस पर हमारा कोई सामान है पर्सनल, हम जो भी कागज ले जाते हैं, आपका मोबाइल है, कोई चीज नहीं तो वहाँ रखने की कोई व्यवस्था है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अदिति। राजस्थान विधानसभा में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ही दलों के विधायक एक दूसरे पर गुटबाजी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इससे पहले एक बीजेपी विधायक ने स्थगन प्रस्ताव लगाने पर अपने ही नेता को घेरा और अब विधानसभा में सचिन पायलट गुट के विधायक रमेश मीणा ने विधानसभा में बिना माइक वाली सीटों पर SC ST को बिठाने का गंभीर आरोप लगाया। रमेश मीणा ने कहा है कि विधानसभा में SC ST को लेकर भेदभाव हो रहा है और सदन में इनकी आवाज दबाई जा रही है। ये गंभीर आरोप लगे हैं अशोक गहलोत सरकार पर। हालांकि मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इसे गलत बताते हुए स्पष्ट किया कि 200 विधायकों वाले विधानसभा में 50 विधायकों को बिना माइक वाली सीटें मिली है। इनमें कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय विधायक शामिल हैं। नाराज रमेश मीणा को बातचीत कर मना लिया जाएगा। दरअसल कोविड गाइडलाइन के तहत सदन की 33% सीटें खाली हैं। इस कारण 50 से ज्यादा विधायकों को बिना माइक वाली सीटों पर बैठना पड़ा। इनमें सभी दलों के विधायक हैं। जहां तक सदन में बैठने की व्यवस्था का सवाल है तो आगे से लेकर पीछे की पंक्ति में बैठने के लिए सदस्य की वरिष्ठता और पार्टी में वरिष्ठता और उपयोगिता के पैमाने को देखा जाता है। अगर कोई पहली बार जीता हुआ विधायक पार्टी में हैसियत रखता है तो उसे आगे भी बिठाया जाता है और ज्यादा बार जीतने वाले विधायक को कई बार पीछे भी बैठना पड़ता है। लेकिन पायलट गुट के समर्थक विधायक रमेश मीणा ने बैठने की इस व्यवस्था को SC ST के साथ भेदभाव से जोड़कर गुटबाजी को एक नई हवा दे दी। उन्होंने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाया कि SC ST से भेदभाव के कारण उन्हें बिना माइक की सीट दी गई। आप खुद सुनिए क्या कहा रमेश मीणा ने। आपके विभाग से जनसंपर्क विभाग का मैटर था, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से और मुख्य सचेतक महोदय से भी इस सीट को चेंज कराने के लिए मैंने निवेदन किया था कि या तो वहां पर माइक की व्यवस्था हो और या फिर मुझे पीछे सीट आवंटित हो जाए, जिस पर हमारा कोई सामान है पर्सनल, हम जो भी कागज ले जाते हैं, आपका मोबाइल है, कोई चीज न तो वहाँ रखने की कोई व्यवस्था है, न माइक की कोई व्यवस्था है। हम कोई बात कहेंगे तो कैसे रिकॉर्ड पे होगी? मान लो कभी सदन में मत विभाजन की बात हो तो हम वोटिंग कहाँ करेंगे, वोट कहाँ डालेंगे? तो ये सदन जो चलता है नियम कानून और परंपराओं से चलता है। तो ये बात मैंने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से रखी थी और मुझे विधानसभा अध्यक्ष ने अभी बाद में कहा कि भाई ये जानकारी होनी चाहिए थी, मुझे किसी ने कोई जानकारी नहीं दी कि आपको पीछे से बोलना है। मैंने तो अभी देखा, मेरे से पहले क्वेश्चन आमीन खान जी जो वहाँ से विधायक हैं बाड़मेर से, सवाना वहाँ से आते हैं शिव से, तो वो भी बेचारे बुजुर्ग आदमी सीनियर हैं, वो भी उठ करके आगे आए, पीछे गए, कभी आगे आए। तो ये व्यवस्था मुख्य सचेतक की सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी कि भाई हमें सीट अलॉटमेंट यहाँ की है, वहाँ पर हमें बैठने की व्यवस्था हो, बोलने की व्यवस्था हो। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है चलो हमारी कोई बात नहीं है, हमें नहीं बोलने दिया गया, जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने डांट के बिठा दिया, लेकिन हमारे जो मंत्री हैं वो भी मेरी लाइन में बैठे हुए हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट के हैं। तो मेरा प्रश्न ये नहीं है कि मुझे नहीं बोलने दिया गया, सवाल ये उठता है कि जो मेरी लाइन में जो लोग बैठे हैं बीच में, जिसको गैलरी कह सकते हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और दो मंत्री हैं टीकाराम जूली और भजनलाल जाटव जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उसके बाद उसी सीट पर महेंद्र जीत मालविया है, उसके बाद में नेक्स्ट अमीन खान जी है, दानिश अबरार है और मीरा है, उसमें सिर्फ दो लोग हैं जो एक मेवाराम जैन है और शायद एक और है कोई अदरवाइज, वहाँ पर्टिकुलर लोगों को क्यों बिठाया गया है? और पहली बार जो विधायक है वो मंत्री बना है, वो सही सुविधाएं ले रहा है, जो पहली बार विधायक है, दूसरी बार विधायक है, उनको बोलने के लिए जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। तो मैंने तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि हमें कहीं भी बिठाएं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीणा ने दावा किया कि अध्यक्ष ने दो दिन पूर्व व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया था कि उनकी सीट बदल दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमेश मीणा ने आरोप लगाया कि उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए माइक की व्यवस्था के लिए कहा, लेकिन अध्यक्ष जी ने उनकी बात को नहीं सुना, उल्टा उनका अपमान किया। इससे रमेश मीणा ने दावा किया कि विधानसभा में SC ST की बात को दबाया जा रहा है।
अब रमेश मीणा के इन गंभीर आरोपों पर कांग्रेस ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। हालांकि बीजेपी अब कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।